या पश्चिम विदर्भ का हिस्सा हो या उत्तर महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा हो, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर बारिश हुई है। तूफान के बाद यहाँ पर जो बारिश है उसके कारण एक प्रकार से बाढ़ की परिस्थिति तैयार हुई है और किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। एक प्रकार से अगर हम देखें तो 100% लॉस जिसको कह सकते हैं, इस प्रकार का लॉस किसानों का हुआ है। तो हमारी मांग ये है कि तुरंत सरकार ने किसानों को मदद करनी चाहिए। बिजली का बिल जो बकाया उसके लिए बिजली काटी जा रही है उसको काटना तुरंत रोकना चाहिए। जो कर्जा है उसको स्टे करना चाहिए, कर्जे की वसूली बंद करना चाहिए। और उसके साथ साथ अभी जो क्रॉप इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस जैसे हमारे ज़माने में क्रॉप इंश्योरेंस बड़े पैमाने पर लोगों को मिला, ये सरकार उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रही और लोगों को क्रॉप इंश्योरेंस भी नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों की ओर सरकार ने ध्यान देने की जरूरत है।